हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। गाइस, नॉर्मली आप लोग ने चाय तो हर जगह पिया ही होगा, हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे चाय का ठेला भरमार रहता है, उसकी कमी नहीं रहती है। बट अगर कभी कदार आपका कॉफी पीने का मन कर गया भाई, तो बहुत ही दिक्कत होती है, क्योंकि आपको जाना पड़ता है स्टारबक्स या बैरिस्टा वगैरह, जहाँ आपका बड़ा चूना लग जाता है। मतलब एक कॉफी पीने के लिए 200-250 रुपए घुस जाते हैं। हाँ, और तो नॉर्मली हम मशहूर है आप लोग का चूना लगने से बचाने के लिए, तो इसलिए आज हम फिर से आपका चूना लगने से बचाएंगे। एक्चुअली हम लोग बात कर रहे हैं ठेका कॉफी की। ठेका कॉफी मतलब एक कॉफी का छोटा सा ब्रांड है जो कि शार्क टैंक में आया था। इनको वहाँ पे डील तो नहीं मिल पाई थी, बट ये काफी अच्छा मतलब इनका कॉन्सेप्ट था। हम जगह जगह पे छोटे छोटे कार्ट लगा करके अच्छी प्रीमियम कॉफी बेचेंगे। तो भाई, कॉफी का कार्ट ढूंढने से पहले हम थोड़ा सा आपको अपना आसपास का मुआयना दे देते हैं कि कैसा माहौल है, अभी का कैसा मौसम है। एक बार जल्दी से ये देख लीजिए यहाँ का एरिया, फिर हम चलते हैं कॉफी ठेका कॉफी को ढूंढने। ये हम लोग इनका कार्ट ढूंढ रहे हैं, हमें आइसक्रीम वाले दिख रहे हैं, मोमोज वाले दिख रहे हैं, चाट वाट वाले भी दिख रहे हैं, बट इनका कार्ट का ठेला नहीं दिख रहा है। अब क्या हुआ, कुछ पता चला? बोले यहाँ तो नहीं, आगे लगाता होगा। आगे लगाता होगा टेबल खाने भैया, यहाँ पे ठेका कॉफी का कार्ट लगता है क्या? ठेका कॉफी का, ठेका तो मैम जी दारू का मालूम और नहीं, नहीं दारू का नहीं, नहीं, नहीं भैया कॉफी का रहता है। कॉफी का मैम जी नहीं मालूम, देख लीजिए। बाप रे बाप, यार उसने नाम ही ऐसा लग चीज मिल जाती है मुर्शिद। वाह 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 वाह, गूगल पे हर चीज मिल जाती है मुर्शिद। ठेका कॉफी का पता चले तो लोकेशन भेजना। अबे ये देख, ये देखिए यहाँ पे है, ये देखो, ये दिख गया, दिख गया, दिख गया, ढूंढते ढूंढते शाम हो गए। अब क्या करके, रात हो गई, अब डिनर का टाइम हो गया, कोई उम्मीद नहीं बची थी हमें कि अब ये मिलेगा। तो गाइज, ये जो शॉट आप देख रहे हो ये नेक्स्ट डे का है। एक्चुअली कल हम लोगों को बहुत ज्यादा लेट हो गई थी, एकदम अंधेरा हो गया था, इसलिए हम लोग शूट नहीं कर पाए थे। हमारे कॉफी टाइम से वो डिनर टाइम हो गया था। आज इनके कार्ड की एक एक डिटेल जानेंगे और ये देखेंगे और जितने भी फ्लेवर्स हैं वो सारी चीज आपको दिखाएंगे और आपको डिटेलिंग में बताएंगे। तो ये है इनका कार्ट, और आप देखो जैसे आइसक्रीम का कार्ट होता है ना, बिल्कुल वैसा ही ये है। फर्क ये है कि आइसक्रीम की जगह ये कॉफी देते हैं और कॉफी को इस ग्लास की बोतल में करके देते हैं। और ये देखिए, इन्होंने कॉफी बीन को लेकर के ऐसे समझाया है कि कॉफी की जवानी, फिर नेक्स्ट लेवल, फिर पलंग तोड़। बता दे कैसे, ये कॉफी बीन है जो डार्क रोस्ट है वो हो जाएगी पलंग तोड़, जो मीडियम रोस्ट है वो हो जाएगी हमारा नेक्स्ट लेवल, एंड जो एकदम लाइट रोस्ट है वो है कॉफी की जवानी। मतलब कॉफी की जवानी था यंग कॉफी। इन्होंने कॉफी को तीन वे में कैटेगराइज किया है रोस्ट के अकॉर्डिंग, डार्क रोस्टेड, लाइट रोस्टेड और मीडियम रोस्ट के अकॉर्डिंग अपना फ्लेवर कैटेगराइज किया है। तो ये जो डार्क रोस्ट है, इनकी तीन डार्क रोस्ट है, इनकी तीन लाइट रोस्ट है और इनकी एक मीडियम रोस्ट है। हाँ, और ये जो ये दो एक्स्ट्रा बच जाते हैं वो शेक्स हैं। ये मिल्क शेक, ये है इनका मेन्यू कार्ड, इसमें सारी चीजें हैं। पलंग तोड़, नेक्स्ट लेवल, कॉफी की जवानी और हु द गवर्नर। यार काफी हम डीप में घुस गए हैं, हमें कॉफी बनाना नहीं है तो इतना ज्यादा हम दिखाएंगे नहीं। तो आप उसके समझने के प्रोसेस में मत जाइए, आप अपना एंजॉय करने के प्रोसेस में ज्यादा रहिए। सबसे पहले तो मेरा मन कर रहा है ये वाला शेक पीने का, तो हम ये पियेंगे, इसे खोलेंगे। अरे खोले, पी लेंगे। आपको ओपनर ओपनर की जरूरत नहीं है, बस कैसा है? बहुत मस्त है, काफी ज्यादा मस्त है। तो ये देखिए, तुम नाच का रही हो। एक मिनट, शॉट ले रहे थे सिनेमैटिक। अरे हटो, सिनेमैटिक शॉट ये लो, शेक पी के बताओ कैसा है, हमें बड़ा मस्त लगा। तो भाई पिया, हमारे बैरी हो गए। बैरी पिया, पिला रहे हमको। बढ़िया शेक है, शेक तो भाई नेक्स्ट लेवल है। और ये शेक है कितने का हम बता दें, हम तो पीने लगे, आपको बताया नहीं, क्योंकि आप ये जरूर ट्राई कर सकते हो। भैया ये शेक कितने का है? 130 रुपीज का है। 130 का है, हम जो प्लान बना के आए थे पीने को, नेक्स्ट लेवल। ये है नेक्स्ट लेवल, ये नेक्स्ट लेवल है, ये नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल भी खोला जाए और देखा जाए कि ये कैसी है। इजी टू ओपन, इट इज इजी टू ओपन, आपको हम खोल के दिखा रहे हैं। इजी टू ड्रिंक, नेक्स्ट लेवल खुल गई, मगर इसको खोलने से पहले थोड़ा शेक कर लीजिए, कर ली ताकि अपना। बढ़िया है, ठीक है ना, क्रीमी है ना ये। ये हम बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि ये नेक्स्ट लेवल वाली कॉफी भी अच्छी है और इसका शेक भी अच्छा है।
ये दोनों तो आपकी हो गए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ना अच्छा लगे। जैसा कि इन्होंने बताया था कि हाँ। रोड साइड पे अगर आपको कॉफी वगैरह लेनी है तो हाँ। इजीली आपको नहीं मिलती है। हाँ। आपको स्टारबक्स या बरिस्ता जाना पड़ता है, यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया कॉफी बहुत इजी आपको देखिए रोड साइड पे कार्ट पे मिल जाएगी, 100 रुपए में मिल जाएगी, 100 रुपए में 150 में, थोड़ा बहुत देखिए आगे पीछे आपको करना पड़ेगा। और गाइज आपको ये बता दें कि कल जब हम आए थे तो कल भी हमने 2 फ्लेवर ट्राई किया था, मगर वो अंधेरा हो गया था इसलिए हम लोग प्रॉपर शूट नहीं कर पाए थे। जो हम लोगों ने ट्राई किया था पलंग तोड़ थे एक्चुअली मैं मुझे मिंटो रानी ज्यादा पसंद नहीं आया था, इन्हें अच्छा लगा था, इसमें जैसे लग रहा है दवा मिली हुई है। पलंग तोड़ इज मोर बेटर है ना? नहीं मुझे यही बेटर लगी। अब हम आपको दिखाएंगे कॉफी को सर्व कैसे करते हैं, काफी यूनिक तरीका इनका, अतरंगी तरीका जैसे नाम है इनका वैसे अतरंगी स्टाइल भी सर्व करने का। तो ये इनकी बकेट है जिसमें ये जैसे इन्होंने 2 कॉफी की बॉटल डाल दी है एंड उसके बाद इसमें ये ड्राई आइस डालते हैं। कल रात हो गई थी और आज बारिश हो गई थी, पानी जा रहा है, हमारी कॉफी में पानी जा रहा था। अभी के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं, हम लोग बारिश वारिश के बीच में जूझ रहे हैं, हमारी गाड़ी भी दूर खड़ी है, वो देखो उतनी दूर जाके गाड़ी खड़ी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, तुम्हें कुछ और कहना है? कॉफी पसंद आई तो हमें बताना और जो हमने बताया वो कॉफी जरूर से ट्राई करना। तब तक के लिए देखते रहना हमारा नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।